चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें लिखा हुआ है कि इन ए स्कूल, एक स्कूल है जहाँ पर स्टूडेंट ने उन्होंने सोचा है कि उनको ट्री प्लांट करना है अराउंड द स्कूल, रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। बहुत अच्छी बात है, आप भी सभी लोग ट्री प्लांटेशन जरूर करें अपने अराउंड। तो इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, क्या डिसाइड हुआ कि नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट, मतलब हर क्लास को, हर सेक्शन को प्लांट करना है, विल बी द सेम एज द क्लास, इस तरीके से होंगे कि वो सेम रहेंगे जो जिस क्लास में उस हिसाब से। इन विच दे आर स्टडिंग, फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल बी प्लांट वन ट्री, अगर वो सेक्शन, अगर वो क्लास टू में है तो उसको, उन क्लास वालों को दो करने हैं, इस तरीके से क्लास ट्वेल्व तक करना है। देर आर थ्री सेक्शन ऑफ ईच क्लास, इसका मतलब ये है कि सिंपल जो क्लास फर्स्ट में है उनको एक ट्री अकेला लगाना है, जो सेकंड में उनको दो लगाने, जो थर्ड में उनको, ऐसे करके जो ट्वेल्थ क्लास वालों को ट्वेल्थ ट्री प्लांट करना है। तो आप देख रहे होंगे लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हर क्लास के तीन सेक्शन है, कितने सेक्शन हर क्लास के तीन, तो सीरीज कैसे बनेगी, देखो तीन सेक्शन है क्लास फर्स्ट में कॉमा, तीन सेक्शन है क्लास टू में तो इतने लगेंगे, फिर तीन सेक्शन है क्लास थ्री में, ऐसे तीन सेक्शन है क्लास फोर में, ऐसे ही डेड 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 कहाँ तक, अप टू ट्वेल्व। तो क्या सीरीज बनेगी, 3, 6, 9, 12 और डेड 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 डैश, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें तो ए और डी और इन एन से मतलब है। तो आपको यहाँ पे पता है कि ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 3 हो गई है, और डी की वैल्यू क्या हो गया आपकी, 6 - 3 बेसिकली 3, और एन टोटल कितने आपके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 है क्योंकि 12 ही क्लास है, तो एन है। तो हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है, एस 12 निकालना है। तो सिंपल है, एस एन का फार्मूला रख दीजिएगा, क्या होता है एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। तो s 12, तो यहाँ पर आप रखेंगे ये हो जाएगा 12/2, यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 3 है, 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1, और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 1 2 2 6 12, तो 6 ही हो गया, ये 3 2 6, और यहाँ पर 12 में से बन जाएगा 11 11 3 33, तो आपको कितना हो जाएगा 6 × 39, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 = 54, कैरी आया 5, 6 3 = 18, और 18 और 5 = 23। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री उसको कितने लगाने हैं, मतलब टोटल जो स्कूल में लगे हैं वो नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगे हैं, 234 लगे हैं, ठीक है गाइस, 234।